रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज 12th लेक्चर क्लास 1 सब्जेक्ट साइंस, डे 29 जुलाई 2020, डे वेडनेसडे, टॉपिक एक्टिविटी डायरी, वर्कबुक पेज नंबर 23 एंड 24। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 23। जी तो स्टूडेंट, पेज नंबर 23, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डेट, 29 जुलाई 2020, डे वेडनेसडे। स्टूडेंट, दिस इज एन एक्टिविटी फ्लावर हैंड्स। लेट्स गो फॉर अ फ्लावर हैंड्स, कलेक्ट फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट। आपने फ्लावर्स को कलेक्ट करना है और ऑब्जर्व करना है। वट इज़ द कलर ऑफ योर फ्लावर, आपके फ्लावर का कलर क्या है। द कलर ऑफ माई फ्लावर इज़ येलो, मेरे फूल का रंग पीला है। द कलर ऑफ माई फ्रेंड्स फ्लावर इज़ येलो, मेरे दोस्त के फूल का रंग भी पीला है। योर फ्लावर इज़ बिगर देन योर फ्रेंड्स फ्लावर, बिगर और स्मॉलर। मेरा फूल बड़ा है, मेरे फ्रेंड का फूल जो है छोटा है। मेरे फ्रेंड के फूल से मेरा फूल बड़ा है। हाउ डज इट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है। स्वीट, बहुत अच्छी है, स्वीट में अच्छी है, बहुत ज़्यादा खुश आंदा है हमारे लिए। हाउ मैनी पेटल्स आर इन योर फ्लावर। जी, ट्राई टू ड्रॉ योर फ्लावर हेयर। आपने यहाँ पे अपना फ्लावर का ड्रॉ करना है और आपने उसको बताना है कि उसकी पेटल्स कितनी है। यहाँ पेटल्स पत्तियों को बोलते हैं। मेरी यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो 30 हैं। मैंने यहाँ पे 30 राइट किया हुआ है। आप यहाँ इसे कम भी पेटल्स को राइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पेज नंबर 24। नेक्स्ट पेज नंबर 24, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन योर डेट, 29 जुलाई 2020 वेनसडे। स्टूडेंट, दिस इज एन सेकेंड एक्टिविटी, लाइट्स अप योर लीफ। आपका फन फैक्टर हम सबसे पहले करते हैं। लेफ्ट ओवर टी कैन मेक योर प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड कीप इट हेल्दी। अपना जो अपनी ट्री है उसको अपने प्लांट्स में उसमें ग्रो करेंगे, उसके आप प्लांट्स में डालेंगे अपने, जिसको पत्ती भी बोला जाता है, जो आप चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको आप अपने प्लांट्स में थ्रो करेंगे तो उससे आपकी उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। ओके जी, लेट्स फाइंड वट हैपन वन लीव डू नॉट गेट सनलाइट। आपने उस चीज़ को लेट्स फाइंड, आपने तलाश करना है कि जहाँ पे आपके लीव्स होंगे वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी डायरेक्ट ना उस पर पड़े। कलेक्ट द मटेरियल, अब हमने कलेक्ट अपनी एक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है। आप प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स, आपने एक प्लांट को लेना जो फुल ग्रीन हो। पेपर क्लिप और ग्लू, आप पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं या ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर और वैसलीन, आप ब्लैक पेपर या वैसलीन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू इट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन योर स्कूल गार्डन और कीप योर प्लांट इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लासरूम। आपने पूरे स्कूल में से, स्कूल गार्डन में से आपने ग्रीन लीव को, ग्रीन अपने प्लांट्स को लेना है जिसके फुल जो लीव्स होंगे वो ग्रीन होंगे। कोई और कलर आप चूज़ नहीं करते, जैसे येलो शो के या इस तरह को कोई भी आप लीव नहीं हो, फुल ग्रीन होना चाहिए। और आपने उसको कहाँ पे रखना है, आपने उसको रखना है स्कूल के कॉर्नर्स पे। वन ग्रुप विल यूज़ ब्लैक पेपर एंड अदर विल यूज़ वैसलीन फॉर एक्सपेरिमेंट। आपने इसमें से हमारे टू ग्रुप्स होंगे, आप एक ग्रुप जो है ब्लैक पेपर को यूज़ कर सकता है और वैसलीन और अदर एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं वैसलीन के साथ कर सकते हैं। मेक श्योर योर प्लांट इज़ गेटिंग डायरेक्ट सनलाइट। आप इस बात को यकीनन बनाएं कि आपकी जो आपके प्लांट को है डायरेक्ट सूरज की रोशनी मिलती हो। स्टेपल विद स्टेपल दिस ब्लैक चार्ट पेपर ऑन वन लीफ। यू कैन आल्सो यूज़ पेपर क्लिप टू कवर दिस द चूजन लीफ। आप जो है आप पेपर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेपल का भी कर सकते हैं। स्टेपल द ब्लैक पेपर, आपने अपने जो लीफ को लेना है आपने उसके साथ ब्लैक चार्ट को स्टेपल कर देना है या आपने उसको पेपर क्लिप के साथ कवर कर देना है। और जो चीज़ आपने यूज़ करनी है, जैसे वैसलीन का हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग वैसलीन के साथ उसको कवर करेंगे। आफ्टर अ वीक रिमूव द ब्लैक पेपर फ्रॉम द लीफ। आपने एक हफ्ते बाद उसको रिमूव करना है, उस चीज़ को हटा देना है और देखना है अपने लीफ को। कंपेयर दिस लीफ विद अदर लीव ऑफ द सेम प्लांट। आपने उस सेम प्लांट के जो है उनके लीव्स को देखना और उस लीव के साथ आपने कंपेयर करना जिस पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व करना है माई लीव विद वैसलीन, जो आपने वैसलीन के साथ अपने लीव को यूज़ किया था। टर्न येलोश, वो येलोश हो, उसका कलर येलोश है, वो येलोश क्यों हुआ है। इट हैपन बिकॉज, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट नॉट रीच टू द लीव। उस लीफ को जो है प्रॉपर सनलाइट की रोशनी नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो लीफ जो है क्या हो गया, येलोश हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से अपनी वर्कबुक्स पर राइट करिएगा, लर्न करिएगा, देन अपने रजिस्टर्स पे भी राइट करिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।